कि आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे की? सर, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैंने बलदेव उच्च विद्यालय दिनारा में एडमिशन लिया जी। उसके साथ ही मैंने एक्स्ट्रा हेल्प के लिए अपेक्स स्टडी सेंटर दिनारा से सहायता ली जी। और उसके साथ ही मेरे फूफा जी जो एक प्राइमरी टीचर है मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया। एमपी साइंस में स्वागत है स्टूडेंट्स। बिहार जो है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड करते जा रहा है इस कोरोना काल में। अभी बहुत सारे राज्यों में एग्जाम ही नहीं हुए हैं, लेकिन बिहार सरकार ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी दे दिया और अब बोर्ड एग्जाम का भी रिजल्ट जारी कर दिया है। ये देखिए, यहाँ की राजधानी पटना गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। अद्वितीय दृश्य है जो अपने आप में अनुपम है। गंगा की पवित्रता यहाँ के लोगों को खींच लाता है। बोर्ड परीक्षा 2021 में एक बार फिर से रोहतास जिला ने अपना दबदबा कायम रखा है। पिछला साल 2020 में नटवार के हिमांशु राज ने बिहार टॉपर मतलब कि पद जो है हासिल किया था, और पुनः एक बार रोहतास के ही संदीप कुमार जो कि दिनारा के हैं वो टॉप पर शामिल हैं। पूजा और सुदर्शनी भी इसके संयुक्त रूप से है। ये देखिए, दिनारा का जो है पंचायत सरकार भवन है, इसी गली में जो संदीप कुमार है वो उनका मतलब कि घर है। आइए संदीप कुमार से मिलते हैं, देखते हैं। आज मैं आपको मिला रहा हूं बिहार के सबसे बेस्ट प्रतिभा जो कि कुसही गांव के हैं, संदीप कुमार। संदीप कुमार, आपका एमपी साइंस में बहुत स्वागत है। और ये जो है मेरा प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जो है पूरे भारत स्तर पर, चूंकि आपने ये ठाना है कि हमें आईआईटी करना है, तो इसलिए मेरा आशीर्वाद जो है आपके साथ है और उस ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको जो है वो आगे बढ़ाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे की? सर, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैंने बलदेव उच्च विद्यालय दिनारा में एडमिशन लिया जी। उसके साथ ही मैंने एक्स्ट्रा हेल्प के लिए अपेक्स स्टडी सेंटर दिनारा से सहायता ली जी। और उसके साथ ही मेरे फूफा जी जो एक प्राइमरी टीचर है मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया करते थे जी। वे मुझ पर रोज 2 घंटे समय दिया करते थे और मेरी क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे। इसके साथ ही जब लॉकडाउन लगा तो हमारे कोचिंग के द्वारा ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड कराया गया यूट्यूब पर, और उसके साथ ही ऐप लॉन्च किया गया। और लॉकडाउन के समय मेरे फूफा जी भी मुझ पर समय दिया करते थे और पढ़ाया करते थे। अच्छा, तो आप मतलब कि घर पे कितना देर स्टडी कर लेते थे? मैं प्रतिदिन स्तर पर घर पर 4 से 5 घंटे तक स्टडी करता था और अपने कोचिंग में पूरी तरह से कंसंट्रेटेड और डिसिप्लिन रहता था। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है जी सर, इसलिए कि डिसिप्लिन ही कहता है कि महान बनाता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, बिना डिसिप्लिन का तो संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, ये बताइए आपके आपका मतलब कि कौन ऐसा विषय है जिसमें मतलब कि 100 मार्क्स में फुल मिले हैं? कोई ऐसा सब्जेक्ट है? नहीं सर, कितना में नहीं मिला। तो हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट संस्कृत में 99 मार्क्स मिले हैं। बहुत बढ़िया, 99 है, एक नंबर इसमें मतलब कि कम है जी सर जी। तो और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट गणित है, और जब भी किसी दूसरे सब्जेक्ट से मेरा मन उगता है तो मैं गणित बनाने की कोशिश करता हूँ और वो मुझे बनाने में एंजॉय आता है जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए कि जो अब 2000 बोर्ड एग्जाम 2022 की जो तैयारी करेंगे बच्चे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मतलब कि कौन सा संदेश देना चाहेंगे कि जिससे कि वो भी मतलब कि अच्छा करे? सबसे पहले तो मैं अपने जूनियर्स को यह संदेश देना चाहूंगा कि वो टीचर के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुने और जो उनके द्वारा नोट्स दिए जाते हैं जी, उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो किताब की बातें हैं वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आ पाती है। अच्छा, और जो सर नोट्स देते हैं वो उनके अपने एक्सपीरियंस की नोट्स होती है और वो हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो मैं उन लोगों से कहूंगा, अपने जूनियर से जी, कि वो एग्जाम के लिए तैयारी अपने नोट्स से करें, क्योंकि जो नोट्स की बातें हैं किताब से अच्छी तरह से ज्यादा समझ में आती है, और अपने क्लास में पूरी तरह से डिसिप्लिन मेंटेन रखें। जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। और आप बताइए कि आपका जो
मतलब कि खेल में लगता है कि नहीं लगता है? जी सर, शाम को मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलने जाता हूँ। अच्छा, दोस्तों साथ खेलते हैं? उसके साथ ही मैं बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ। ये बहुत बढ़िया, क्योंकि खेल बहुत जरूरी है, माइंड रिफ्रेश करने के लिए खेल बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मतलब केवल स्टडी करते रहते हैं, तो खेल के माध्यम से क्या होता है कि थोड़ा सा एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है माइंड। जी सर, और आगे भी तैयारी करने में मदद मिलती है। जी सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, ये आप बताइए कि अभी तो आपका जो मतलब कि सपना है, आपने जो तय किया है टारगेट, और क्या क्या टारगेट तय, तो आपसे भी हमने सुन लें। मैं सब भविष्य में एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और मैं अपना ग्रेजुएशन किसी अच्छे IIT से करना चाहता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी कि आप जो है आपने जो तय किया है कि IIM करेंगे, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। MP साइंस की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, ठीक, थैंक यू सर।